उम्मीदवार बना के दी जाए। हम सब नेताओं ने जितने यहां मंच में बैठे हैं, जो प्रमुख पंक्ति के नेता है, हम लोगों ने तो सबने जाके निवेदन किया था मुख्यमंत्री जी से कि आप बेंगलुरु को चुनाव लड़ाओ। और उसका कारण ये था कि नीचे सुखराम जी जीते हुए हैं, बाकी सारे एमएलए आ रहे हुए थे, और सब मिलकर मजबूती से लड़ेंगे। सरकार है कांग्रेस की, तो जालौर सिरोही जो विकास के मामले में पिछड़ा हुआ है, उसकी संभावना थी कि बहुत अच्छा विकास होता, और अच्छा विकास और काम होता तो हमारी व्यवस्था भी बहुत अच्छी बनती है। तो पार्टी ने फैसला किया वास लगाने का, और मुझे आदेश दिया कि भाई कितने साल से काम कर रहा है, सबको जानता है, दोनों जिलों में काम किया हुआ है, तो आप लोगों को आपको जाके चुनाव लड़ना होगा। और सभी लोगों ने मंच पर जितने भी हमारे नेता बैठे हैं, सुखराम जी जालौर के हैं, जितने भी सिरोही के नेता हमारे बड़े भाई समझो, संरक्षक समझो, कोई नेता है उसको मित्र समझो, सभी लोगों ने मिल के, और कमी रह गई तो सुशाल वालों ने, साहब भाई वगैरह ने भी कह दिया कि एक बार और तार कराने के लिए भेज दें। कहने का मकसद है कि आप लोगों के बीच में वापस भेजा है। अभी 3 महीने पहले विधानसभा का चुनाव आया था, आप लोगों की मेहरबानी से, ऐसा नहीं है कि जो भी लोग चुनाव हारे वहां वोट देने में आप लोगों ने कमी रखी। 19-20 हुआ है, चुनाव हारे हैं, मगर आपने कांग्रेस को पहले के मुकाबले बहुत अच्छे वोट दिए सभी विधानसभा क्षेत्र में, और आपकी मेहरबानी रही तो सरकार बनती रहे सामने कांग्रेस की। और राज है तो हरोड़ा हुआ तो ही थोड़ा करना मंजूर हुआ, अपना राज आए कांग्रेस तो मन पर सेवा करो थोड़ा। पर मोहित आपने निवेदन करो के फैसला खेड़ो में, और फिर कांग्रेस से चुनाव लड़ा, 3 बार 4 बार चुनाव लड़े, 1 बार कामयाब हुए। पिछले 2 टर्म में पूरे जालौर सिरोही में 8 सीटें विधायक की है, 8ों में से 7 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में आई है, 8 सीटें विपक्ष के पास।